नमस्कार, स्वागत है आपका आज की इस नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। भाई ओटीपी दीजिए, ओटीपी दीजिए, ओटीपी दीजिए, ये शब्द सुन सुनकर मैं भी परेशान हूँ और हमारे जो 6000 से भी ज्यादा यूजर्स टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं, ओटीपी बाईपास करते हैं, ओटीपी लेते हैं, वो भी परेशान हूँ। अब आखिर क्यों है तो मैं आपको बता दूं, मैं बहुत दिनों से यानी कई सालों से ओटीपी बाईपास कर रहा हूँ। हमारी जो सर्विस होती है वो 100% रियल होती है, तभी तो एक साल के अंदर अंदर हमारे साथ 6000 से भी ज्यादा यूजर्स जुड़ गए हैं जो कि ओटीपी बाईपास करते हैं। और दुनिया का कोई भी एप्लीकेशन हो, यहाँ पर ओटीपी बाईपास उसका हो जाता है। अब आखिर समस्या क्या हो रही है दोस्तों? यूजर्स बढ़ने की वजह से हमारे यूजर्स मैसेज करते हैं, भाई ओटीपी चाहिए, इस एप्लीकेशन का ओटीपी चाहिए। तो यार अब 6000 से भी ज्यादा यूजर्स हो गए हैं तो कभी कभार ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है, कभी कभार ज्यादा यूजर्स का मैसेज एक साथ आता है, तो सभी का एक साथ रिप्लाई दे पाना पॉसिबल नहीं हो पाता, वो आप लोग भी जानते हो। तो इस समस्या के समाधान के लिए हमने एक नया तरीका निकाला है जिसका नाम है ओटीपी पैनल। जी हाँ दोस्तों, आपको ओटीपी पैनल बना के दिया जाएगा। अब ओटीपी पैनल आखिर होता क्या है, कैसे यूज कर सकती हो, कब तक यूज कर सकती हो, वो डिटेल मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पर पोस्ट किया था कि ओटीपी पैनल अवेलेबल है, तो बहुत सारे यूजर्स को समझ नहीं आया कि भाई ये क्या है। तो यार कई लोगों के मैसेज आते हैं, भाई समझाइए ओटीपी पैनल क्या है। तो यार आप लोग समझिए, मैं हर किसी बंदे को नहीं समझा सकता, मैं केवल वीडियो बनाकर ही आप लोगों को समझा सकता हूँ। तो आज मैंने वीडियो बना दी है जब मुझे टाइम मिला, क्योंकि आप लोगों के लिए ओटीपी बाईपास करता रहता हूँ इसलिए टाइम नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों आप लोगों को मिनिमम 50 नंबर का ओटीपी पैनल दिया जाएगा। अब आखिर उसको यूज कैसे करोगे तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको एक लिंक दूंगा और आईडी पासवर्ड बना के दूंगा। आप लोग उस लिंक पर क्लिक करोगे, आईडी पासवर्ड जो मैंने दिया है वो वहां पर डालोगे, उस आईडी पासवर्ड में आपको 50 नंबर मिलेगा। अब जैसे कि आपको किसी एप्लीकेशन में वो नंबर यूज करना है तो आपको उस पैनल में वहां पर एक क्लिक का ऑप्शन रहेगा, वहां पर जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो वहां पर नंबर निकल आएगा। जैसे ही वो नंबर उस एप्लीकेशन में डालोगे और ओटीपी सेंड करोगे तो वहीं पर आपको ओटीपी भी आ जाएगा। तो ऐसे आपका एक डन हो गया। और दूसरा भी लेना है तो वहीं पर फिर आपको क्लिक करने का ऑप्शन रहेगा, यानी कि मैं जो पैनल दूंगा वो 50 नंबर का रहेगा। आप लोग उस पैनल को 50 बार यूज कर सकते हो, 50 बार नंबर ले सकते हो और हमें मैसेज नहीं करना पड़ेगा। हमें मैसेज सिर्फ आपको एक ही बार करना पड़ेगा कि भाई मुझे ओटीपी पैनल चाहिए। अब रही बात कि भाई आखिर ओटीपी पैनल कब तक एक्टिव रहेगा, हम उस ओटीपी पैनल को कब तक यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आज नंबर लिया एक ही, तो क्या वो 49 नंबर गायब हो जाएंगे कल या परसों, हमारे किसी काम के नहीं रहेंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्त। आप उस ओटीपी पैनल से कभी भी नंबर निकाल सकते हो। जैसे आज 50 नंबर का ओटीपी पैनल दिया, अगर एक साल बाद भी आप उस ओटीपी पैनल से नंबर निकालोगे तो आपके वो नंबर बिल्कुल सेव रहेंगे, वो बर्बाद नंबर नहीं जाएंगे। और दोस्तों उस ओटीपी पैनल में सारे के सारे न्यू नंबर निकलेंगे, फ्रेश नंबर निकलेंगे, तो आप लोगों को टेंशन की बात नहीं है। यदि आप लोग भी चाहते हो बार बार डिस्टर्ब ना हो, आपका टाइम बचे, तो आप लोग भी आज ही ओटीपी पैनल ले लीजिए, जिससे कि आप लोगों को बार बार मैसेज नहीं करना पड़ेगा कि भाई ओटीपी दीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने काफी कुछ बता दिया है, यदि कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा या टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा, और भी डिटेल मैं बता दूंगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।